41 जाने और उनके बाहर आने की आस अभी भी आसी बनी हुई है। इन फंसे हुए 41 मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार पूरा देश कर रहा है। पिछले 13 दिनों से ये 41 जाने उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसी हुई है। इन 41 मजदूरों को इस टनल से बाहर निकालने के लिए बनाए गए सारे प्लान फेल होते नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू में आ रही दिक्कतों से भी सभी की सांसें अटकी हुई है। कभी सरिया तो कभी पत्थर इन 41 मजदूरों तक पहुंचने में बाधा बन रहे हैं और इन 41 मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार अब और बढ़ गया है। इस ऑपरेशन का 12वां दिन और इन मजदूरों को बाहर निकालने की मशक्कत 5 पॉइंट से ड्रिलिंग का काम 8 एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ऑपरेशन के 12वें दिन ड्रिलिंग के कंपन से मशीन का प्लेटफॉर्म धस गया और अमेरिकी ऑगर ड्रिल मशीन को 3 बार के लिए रोकना पड़ा। ऑगर मशीन ऑपरेटर ने बताया कि फिर से ड्रिलिंग को शुरू करने के लिए 2 घंटे का समय लगेगा। इससे पहले गुरुवार दोपहर में मजदूरों तक पहुंचने के लिए बाकी 18 मीटर की खुदाई शुरू की गई, लेकिन 1.8 मीटर की ड्रिलिंग के बाद मलबे में सरिया आने से खुदाई रोकनी पड़ी। आज 13वां दिन, लेकिन मशक्कत अभी भी जारी है। शुक्रवार 24 नवंबर को एनडीआरएफ ने मजदूरों को निकालने के लिए मॉक ड्रिल की। इससे पहले गुरुवार को जो ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म धस गया था उसे ठीक करा लिया गया है। टनल में 47 मीटर तक पाइप पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी 12 से 14 मीटर की खुदाई बाकी है। ड्रिलिंग के दौरान यदि कोई बाधा नहीं आई तो आज 41 मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। ऑगर मशीन के एक ऑपरेटर ने बताया कि हम इस पूरे बचाव अभियान में लगे हुए हैं। टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए खाने पीने के लिए पैकेट भी तैयार किए गए और उन्हें नाश्ते में दलिया और फ्रूट्स भेजे गए। जानकारी के मुताबिक ड्रिलिंग कंप्लीट होने पर एनडीआरएफ की 5 सदस्यीय टीम हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस कटर के साथ 800 मिलीमीटर की पाइपलाइन से अंदर जाएगी और अंदर फंसे लोगों को बाहर के हालात और मौसम के बारे में बताएगी। डॉक्टरों के मुताबिक टनल के अंदर और बाहर के तापमान में काफी अंतर होगा, इसलिए मजदूरों को तुरंत बाहर नहीं लाया जाएगा। मजदूरों को कमजोरी महसूस होने पर एनडीआरएफ की टीम उन्हें पाइपलाइन में स्केट्स लगी टेपरी ट्रोली के जरिए बाहर खींचकर निकाली। इसके बाद 41 मजदूरों को एम्बुलेंस में चिलानी सोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया जाएगा। यहाँ उन 41 मजदूरों के लिए 41 बेड हॉस्पिटल में ऑलरेडी रेडी है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।